शुगर केन कल्टीवेशन अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे सीरियल्स क्रॉप में राइस और वीट थे, मैं कहूँगा उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शुगर केन। क्यों? क्योंकि शुगर क्रॉप्स में केवल दो ही ऐसी क्रॉप हैं जिनका कल्टीवेशन होता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शुगर केन। कौन सी? शुगर केन। अगर मैं कहूँ पूरे वर्ल्ड में लगभग 78.2% शुगर प्रोडक्शन शुगर केन से ही होता है, और इंडिया के अंदर तो सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो शुगर इंडस्ट्री ही है आफ्टर द टेक्सटाइल। इसलिए शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं, तो देखते जाओ भाई। आज की लेक्चर में हम बात करेंगे शुगर केन के बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की, उसकी मॉर्फोलॉजी की, और कुछ जनरल इंट्रोडक्शन जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो शुरू करें, शुरू किससे करते हैं परमेश्वर? बॉटनिकल नेम से। बताओ क्या है बॉटनिकल नेम? सैक्रम स्पीसीज। आप लोगों के दिमाग में आया होगा सैक्रम ऑफिसिनेरम। सैक्रम ऑफिसिनेरम होता है, लेकिन हम लोगों को लगभग पांच बॉटनिकल नेम, कम से कम पांच बॉटनिकल नेम याद रखने होंगे शुगर केन के, जिसमें से तीन बॉटनिकल नेम कल्टीवेटेड स्पीसीज के हैं और दो बॉटनिकल नेम आपके वाइल्ड स्पीसीज के हैं। ठीक है, एक शुगर, एक आपका सैक्रम ऑफिसिनेरम से अकेले से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो सैक्रम ऑफिसिनेरम पर ही क्वेश्चन आता है, लेकिन चार बॉटनिकल नेम और हैं इसके अलावा। ठीक, इसलिए मैंने लिखा है सैक्रम अपना स्पीसीज। ठीक है, पहले बात तो कहो इसकी फैमिली क्या है। ये भी घास कुल में ही आता है, जैसे कि अपने सीरियल्स क्रॉप है, तो इसकी फैमिली भी क्या है? ग्रैमिनी। ठीक है, ऑरिजिन बताओ भाई, शुगर केन का ओरिजिन क्या है? न्यू गिनिया। ठीक है, ओरिजिन क्या है शुगर केन का? न्यू गिनिया। ठीक, अब आ जाओ, टोटल कितने बॉटनिकल नेम याद रखने हैं अपन को? पांच। तीन तो याद रखने हैं कल्टीवेटेड स्पीसीज के, ठीक, और दो याद रखने हैं आपको वाइल्ड स्पीसीज की। ठीक, तीन कौन कौन से हैं? सबसे पहला देखो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सैक्रम। अब मैं सैक्रम को सिर्फ एस लिखूंगा, ठीक है, बार बार सैक्रम सैक्रम लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला है सैक्रम ऑफिसिनेरम, ऑफिसिनेरम। ठीक है, अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि शुगर केन का बॉटनिकल नेम क्या है, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी सैक्रम ऑफिसिनेरम, क्योंकि इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा यही सैक्रम ऑफिसिनेरम कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सैक्रम ऑफिसिनेरम है ये वाइडली कल्टीवेटेड है, सबसे ज्यादा कल्टीवेशन इसी का होता है। इसको हम नोबल केन भी कहते हैं। एक प्रोसेस होती है, एक टर्म है नोबलाइजेशन। ठीक है, ये नोबलाइजेशन बड़ी अच्छी चीज है, जिसके थ्रू एक ब्रीडिंग का मेथड है, एक ब्रीडिंग प्रोसीजर है, जिससे हमने इस सैक्रम ऑफिसिनेरम को डेवलप किया है। अब चूंकि ब्रीडिंग का टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, मेरा स्ट्रीम ही प्लांट ब्रीडिंग है, तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी उसको बीच में हम नहीं लाते, नोबलाइजेशन टॉपिक के लिए एक अलग से वीडियो आएगा। ठीक है, तो इस सैक्रम ऑफिसिनेरम को हम नोबल केन भी कहते हैं। ठीक, इसको ट्रॉपिकल केन भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल केन। ठीक है, इसके विशेषताएं क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? इसके फीचर्स ये है कि इसकी जो स्टॉक है वो काफ़ी थिक होती है, इसके साथ साथ जूसी भी होती है। भाई जो मेन पार्ट है अपना शुगर केन में, गन्ने में, वो क्या है? उसका जूस। हमें जूस चाहिए, जितना ज़्यादा जूस उसके अंदर होगा उतना ही हमें प्रॉफिट होगा। ठीक, इसके अलावा इसके अंदर लो फाइबर कंटेंट है, ये भी हमारा टारगेट है कि गन्ने के अंदर, शुगर केन के अंदर फाइबर कंटेंट कम से कम हो और जूस कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब सब कुछ इसमें अच्छा है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, क्रोमोसोम नंबर, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका क्रोमोसोम नंबर है 80। ठीक है, अगर ऑप्शन कुछ इस तरह का घुमा फिरा के दिया जाए, हालांकि ये शुगर केन में बहुत सारे क्रोमोसोम नंबर होते हैं, वेरी करते हैं, अगर फिर भी एक ऑप्शन अगर आपको चुनना पड़े तो आपका आंसर हमेशा 80 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 2n = 80 है सो अपना सैक्रम ऑफिसिनेरम का, जो कि आपका नोबल केन है, वाइडली कल्टिवेटेड शुगर केन है। तो जो अगर हम बॉटनिकल नेम सैक्रम ऑफिसिनेरम चुन रहे हैं, तो फिर हमें क्रोमोसोम नंबर भी 2n = 80 ही आंसर देना होगा। ठीक, इसके अलावा दूसरी आ जाओ,
दूसरी कल्टीवेटेड स्पीसीज है सैक्रम बारबेरी। सैक्रम को मैं सिर्फ एस लिखूंगा, बारबेरी, ठीक है। ये इंडियन ओरिजिन की है इसीलिए इसको इंडियन केन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, इंडियन केन का बॉटनिकल नेम क्या है, सैक्रम बारबेरी, या सैक्रम बारबेरी को इंडियन केन भी कहा जाता है। या क्वेश्चन पूछ लेंगे किस शुगर केन को, किस केन को इंडियन केन भी कहा जाता है, ठीक है, तो आंसर होगा आपका सैक्रम बारबेरी, ठीक। इसको बहुत कम लोग कल्टीवेट करते हैं, कल्टीवेटेड है, हालांकि मैं तो कहूँगा कल्टीवेशन कोई करता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कल्टीवेटेड स्पीसीज तो है। इसके अंदर सुक्रोज कंटेंट बहुत कम होता है, ठीक है, इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो चीज़ हमें चाहिए वो कम है, जो चीज़ नहीं चाहिए वो ज़्यादा है। इसके अलावा इसकी जो स्टॉक है, जैसे यहाँ पर क्या था, थिक था, यहाँ पर कैसा होता है, थिन, पतला होता है, ठीक है। शुगर केन जितना लंबा होगा, जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी, उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है अपने लिए, क्योंकि उतना ज़्यादा उसमें जूस निकलेगा। तो ये तो एक तरह से थिन भी है और ऊपर से कम हाइट का भी है, शॉर्ट भी है, ठीक है। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो बहुत ज़्यादा वैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर आपको याद रखना है 82 से लेकर के आपका 124 तक, ठीक। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी का आपको अलग अलग बुक में अलग मिल जाएगा। अगर सैक्रम बार वैरी के ऊपर आपसे पूछ लिया जाए क्रोमोसोम नंबर, तो एक क्रोमोसोम नंबर नहीं है, उसमें वैरी करते हैं, उसमें रेंज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या, 82 से लेकर 124 तक, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है सैक्रम बारबेरी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तीसरा है आपका सैक्रम सिनेंसिस, ठीक है, सैक्रम को फिर से मैं ऐसे ही लिखूंगा, तो सैक्रम सिनेंसिस, ठीक। तो ये सैक्रम सिनेंसिस ये चाइना ओरिजिन का है इसीलिए इसको चाइनीज केन भी कहा जाता है। इसके अंदर सुक्रोज कंटेंट की बात करें तो वो होता है मीडियम, इसके अंदर मीडियम सुक्रोज होता है, लेकिन फाइबर कंटेंट तो इसमें भी हाई होता है, हाई फाइबर कंटेंट इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये भी थिन होता है लेकिन साथ में लॉन्ग होता है, ठीक है, थिन है लेकिन लॉन्ग है। इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर है 118, ठीक है। तो ये तीन क्रोमोसोम नंबर आपको याद रखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है 2n = 80, यहीं से क्वेश्चन बनता है। कभी स्पेसिफिक पूछ ले कि भाई सैक्रम सिनेंसिस के अंदर बताओ तो फिर आपको बताना है 2n = 18, सैक्रम बारबेरी के अंदर बताओ तो आपको रेंज बतानी है 82 से लेकर 124, लेकिन इन पर क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए, क्वेश्चन पूछा गया है सबसे ज़्यादा इसके ऊपर 2n = 80 सैक्रम ऑफिसिनेरम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसमें दो वाइल्ड स्पीसीज हैं, दोनों वाइल्ड स्पीसीज के नाम आपको याद रखने होंगे, यहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक वाइल्ड स्पीसीज है सैक्रम स्पॉन्टेनियम और दूसरी वाइल्ड स्पीसीज है सैक्रम रोबस्टम, ठीक है। कौन सी है, एक है सैक्रम स्पॉन्टेनियम, ये सैक्रम स्पॉन्टेनियम वाइल्ड स्पीसीज है, इसमें तो दोनों चीजें, इसमें सॉरी आपका हाँ शुगर कंटेंट, इसमें सुक्रोज कंटेंट कम होता है, लो सुक्रोज कंटेंट और हाई फाइबर कंटेंट इसके अंदर है, ठीक है। दूसरा है आपका सैक्रम रोबस्टम, इसके अंदर भी सेम लो सुक्रोज कंटेंट है और हाई आपका फाइबर कंटेंट है, ठीक है। ये जो सैक्रम स्पॉन्टेनियम है इसका प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में बहुत यूज हुआ है, ठीक, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है। तो दो वाइल्ड स्पीसीज हैं इसकी, सैक्रम स्पॉन्टेनियम और सैक्रम रोबस्टम, ये दोनों वाइल्ड स्पीसीज आपको याद रखनी है। ये तो बात की हमने इसकी क्लासिफिकेशन की, सैक्रम स्पीसीज के क्लासिफिकेशन की, जिसमें आपको ये पांच बॉटनिकल नेम याद रखने हैं, इन पांचों पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन में, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो सैक्रम बर्ड है ना, जैसे कि कई बार अपन लोग देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही देखते हैं कि ज़्यादातर वर्ड जो है वो लैटिन भाषा से और ग्रीक भाषा से लिए जाते हैं, लेकिन ये जो सैक्रम बर्ड है ना, ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से, संस्कृत भाषा से, और एक संस्कृत वर्ड है सरकरा, जिसका मतलब होता है शुगर, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है तो ये भी आप याद रखना कि जो सैक्रम वर्ड है वो एक संस्कृत वर्ड है सरकरा, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है शुगर, ठीक। और क्या क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं,
एक क्वेश्चन से ये भी पूछा जाता है कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज किसकी हैं, तो इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वो शुगर की है। लार्जेस्ट इंडस्ट्री किसकी है, शुगर की है। किसके बाद, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बाद। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जिसमें कॉटन इंडस्ट्रीज वगैरह ये सब चीज़ें, तो कॉटन इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बाद अगर सबसे लार्जेस्ट किसी की इंडस्ट्री है इंडिया में तो वो है शुगर इंडस्ट्री। ये किसकी बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। अगर मैं शुगर प्रोडक्शन की बात करता हूँ वर्ल्ड में, अब इंडिया की बात नहीं हो रही, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ, पूरे वर्ल्ड में जितना भी शुगर प्रोडक्शन होता है उसका 78.2%, कितना 78.2% शुगर ये प्रोड्यूस होता है किससे, शुगर केन से। ठीक, ये आप लोग याद रखना। इसकी इन्फ्लोरोसेंस को क्या कहा जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया इसके ऊपर। इसकी इन्फ्लोरोसेंस को कहा जाता है एरो, ठीक है, या फिर कहो ओपन पेनिकल। ठीक है, ओपन पेनिकल टाइप की होती है, कहा तो उसको एरो नहीं जाता। अभी इसके ऊपर अच्छे से पढ़ेंगे अपन, एरो ओपन पेनिकल। ठीक है, और बात करें, ये आपका C4 प्लांट है। अब C4 प्लांट क्या होता है, C3 प्लांट क्या होते हैं, C3 साइकिल क्या है, C4 साइकिल क्या है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख लेना चाहो तो। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, ठीक है, और ना भी दे पाऊँ भूल जाऊँ तो आप लोग देख लेना वहाँ से, ठीक है। C4 प्लांट क्या होते हैं, एक्चुअल में हैच एंड सेलेक्ट ने जो C4 साइकिल डिस्कवर की थी ना वो शुगर केन में ही डिस्कवर की थी। शुगर केन और मेज, ये दो ऐसी इंपॉर्टेंट क्रॉप है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर इससे आता है ना तो शुगर केन और मेज से ही आता है कि C4 प्लांट में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने क्रॉप कौन सी हैं, एक शुगर केन और दूसरी मेज, क्योंकि शुगर केन और मेज में ही इस C4 साइकिल को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट हैच एंड स्लैग ने। ठीक, इसके अलावा शुगर केन जो है वो आपका शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट है। कैसा है, इंटरमीडिएट। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस टाइप के हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर। तो ये आपका शॉर्ट डे इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। इसके अलावा शुगर केन पेरिनियल प्लांट है, समझते हैं ना, एनुअल बाइनियल पेरिनियल। एनुअल का मतलब एक वर्षीय, बाइनियल का मतलब द्विवर्षीय, पेरिनियल का मतलब बहुवर्षीय। ऐसे प्लांट जो एक सीजन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले उनको एक वर्षीय बोलते हैं, जो दो सीजन में कंप्लीट करते हैं उनको द्विवर्षीय बोलते हैं, ठीक है। जो एक साल से अधिक का समय ले जाते हैं, दो से तीन सीजन लगा लेते हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में, उनके अंदर तो फूल बन जाए, इन्फ्लोरोसेंस आ जाए, सीड बन जाए, उसके बाद भी उनकी लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहती है, उनको बोलते हैं अपन पेरिनियल प्लांट। तो शुगर केन भी कैसा है, पेरिनियल प्लांट है। इसको दो से अधिक सीजन की जरूरत पड़ती है, एक से अधिक ईयर की जरूरत पड़ती है इसको, पेरिनियल प्लांट को। तो शुगर केन अपना किस में आता है, पेरिनियल प्लांट में। अब आ जाओ इसकी मॉर्फोलॉजी पर, जो है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ, पूरा बोर्ड हमें क्लियर करना पड़ेगा। मॉर्फोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी मॉर्फोलॉजी हमें समझना है। इसकी मॉर्फोलॉजी में चार चीज़ों की बात करेंगे अपन। देखो शुगर केन का जो प्लांट होता है ना उसमें चार चीज़ें ही होती हैं। देखो यहाँ बनाता हूँ मैं इधर, सभी लोगों ने, आप में से सभी लोगों ने ऑलमोस्ट शुगर केन देखा ही होगा, ऐसा कोई नहीं है जिसने शुगर केन ना देखा हो। ठीक है, ये पार्ट कभी नहीं देखा होगा शायद आप लोगों ने, देखा है क्या ये पार्ट, ना कभी नहीं देखा होगा। देखते जाओ ये क्या पार्ट है, कैसा पार्ट है, अभी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने बनाया एक शुगर केन का डायग्राम, इसमें आपको चार चीज़ें नज़र आ रही हैं, उन चारों चीज़ों को हमें देखना है। सबसे पहला तो इसका रूट सिस्टम, ठीक है। दूसरा ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं, इसको स्टॉक या फिर कहो इसका शूट या इसकी स्टेम, ठीक है। तीसरा है आपका लीव्स
और ये फोर्थ है इनफ्लोरेसेंस। ये चारों चीज़ें हमको पढ़नी है। फर्स्ट रूट सिस्टम, सेकंड स्टॉक, थर्ड लीव्स और फोर्थ इनफ्लोरेसेंस। सबसे पहले अपन बात करेंगे रूट सिस्टम की। देखो शुगर केन की जब हम प्लांटिंग करते हैं, पहले तो बताओ प्लांटिंग किससे करते हैं? क्या शुगर केन का हम सीड यूज़ करते हैं? नहीं करते हैं। शुगर केन में हम उसका वेजिटेटिव पार्ट, ये जो स्टॉक आप देख रहे हो ना, कोई भी एक पार्ट लेकर ही उसको हम उसकी प्लांटिंग मटेरियल की तरह उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो पार्ट हम लेते हैं, ये जो स्टॉक का जो पार्ट हम लेते हैं, एक शॉर्ट एक छोटी सी स्टेम जो हम लेते हैं शुगर केन की प्लांटिंग के लिए, सोइंग के लिए, उसमें नोड का होना बहुत ज़रूरी है। नोड का मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, इसको कहते हैं नोड। ठीक है, ये क्या है? नोड। और दो नोड के बीच में ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, नोड का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो मान लो ये रहा वो शॉर्ट पार्ट, एक वो छोटी सी हमने स्टॉक लिया है, इसके अंदर ये रही इसकी नोड। ठीक है, इस नोड के पास क्या क्या होता है? देखो इस नोड में पाए जाते हैं बहुत सारे, इनको क्या बोलते हैं? रूट प्राइमोर्डिया। ठीक है, इस पूरे को बोलते हैं आपका रूट बैंड, इसको क्या कहा जाता है? रूट बैंड। ठीक है, इसके पास एक बड होना ज़रूरी है, एक बड का होना तो ज़रूरी है, हालांकि एक से अधिक बड भी हो सकती है वो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मिनिमम एक बड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बड नहीं होगी ना इसके अंदर, इस नोड के अंदर, तो नया प्लांट डेवलप ही नहीं होगा। इसी बड से नई शूट डेवलप होती है, एक शुगर केन डेवलप होता है। ये बड ही डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ शूट पर, अगर बड एक है तो ठीक ही है, लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो तीन बड कम से कम होनी चाहिए, दो बड से भी काम चल जाएगा, एक बड तो मिनिमम अपन को रखना ही है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर सिर्फ एक ही बड दिखा रहे हैं। अब देखो क्या होता है, ये आपका रूट प्राइमोर्डिया है, इस पूरे को क्या बोलते हैं? रूट बैंड। जब इसकी हम सोइंग करेंगे, सोइंग करने के बाद इस पर जैसे हम मिट्टी डालेंगे और सबसे पहला इरिगेशन देंगे, जैसे ही उसको हम पानी देंगे, मतलब उस मिट्टी में जैसे ही मॉइस्चर होगा ना, ये जो रूट प्राइमोर्डिया है ना, ये रूट बनाना स्टार्ट कर देंगे, और उन रूट को कहते हैं हम क्या? सेट रूट। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम सेट ही बोलते हैं, शुगर केन सेट। ठीक है, तो यहाँ पर सीड नहीं चलते, हम लोग बात करते हैं अपन यहाँ पर सीड रेट नहीं बोलते, यहाँ पर बोलते हैं हम कितने सेट हमने यूज़ किए, नंबर ऑफ सेट यूज़ करते हैं अपन आप प्लांटिंग के लिए पर हेक्टर के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो रूट प्राइमोर्डिया है, ये जो आप देख रहे हो हल्के हल्के से, ये प्रोड्यूस करते हैं एक रूट। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा दूँ, यहाँ पर यहाँ से रूट प्रोड्यूस होती हैं, और ये रूट जो होती हैं बहुत ही पतली होती हैं और हाईली ब्रांच्ड होती हैं, हाईली ब्रांच्ड। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं हम क्या? सेट रूट। ये बहुत ज़्यादा पतली होती हैं और हाईली ब्रांच होती हैं, आप लोगों ने देखी भी होंगी। ठीक है, प्लांटिंग के 24 घंटे के अंदर ही डेवलप हो जाती हैं जी, विद इन 24 आवर्स। जैसे आप प्लांटिंग करोगे, सॉइल को मॉइस्चर मिलेगा, 24 घंटे के अंदर ही ये रूट आपकी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से तो आप मिटाई दो। तो ये जो सेट रूट होती है ना, ये आपकी टेम्परेरी रूट होती है। ठीक है, कुछ समय बाद ये सूख जाती हैं। आप लोग कभी भी देखना, अगर आप फील्ड में जाओ कभी जहाँ शुगर केन लगा हो, उस शुगर केन को आप ज़मीन से उखाड़ देना, और आप देखोगे कि उसके लोअर मोस्ट पार्ट पर आपको बहुत सारी पतली पतली रूट मिलेंगी ड्राई हो, लेकिन वो जीवित नहीं होती, वो मरी हुई होती है, क्योंकि ये टेम्परेरी है, कुछ समय बाद ये ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं हम क्या? बड। एक बड, दो बड या तीन बड। ठीक है, इनके जो नंबर होते हैं वो एक से लेकर तीन तक हो सकते हैं। इस बड से निकलेगा अपना शूट। ठीक है, इस बड से क्या डेवलप होगी? शूट डेवलप होगी। ठीक, और यहाँ पर सबसे पहला डेवलप होगा नोड, इसको बोलते हैं हम बेसल नोड। सबसे पहला जो नोड होता है इसको बोलते हैं बेसल नोड। ठीक है, ऊपर एक और नोड, ये क्या है? अपनी प्राइमरी शूट। यहां से क्या डेवलप हो रही है? अपनी प्राइमरी शूट। तो ये जो बेसल नोड है ना, जब आपकी ये टेम्परेरी रूट सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, नॉन फंक्शन हो जाएगी, तब इस बेसल नोड से एक दूसरी रूट डेवलप होगी। ठीक है, और ये जो रूट दूसरी रूट डेवलप होगी, ये काफ़ी थिक होगी और अनब्रांच्ड होगी। ये कैसी होगी? काफ़ी थिक और अनब्रांच्ड।
इसको बोलते हैं हम शूट रूट। इनको क्या बोलते हैं? शूट रूट। ये शूट रूट थिक होती है और अनब्रांच्ड होती है, ठीक है। तो ये जो शूट रूट होती है ना, ये होती है परमानेंट रूट, ये हमेशा काम करती है, ये परमानेंट रूट होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये तो हो गया रूट सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट तो हो गया अपना क्या, रूट सिस्टम, जिसमें हमने दो रूट पढ़ी, एक थी सेट रूट और दूसरी थी शूट रूट, ठीक है। ये जो सेट रूट है ये टेम्परेरी रूट है और जो शूट रूट है वो परमानेंट रूट है, ठीक। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब आ जाओ उसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है आपका? स्टॉक रीजन, ठीक। इसी को और कंटिन्यू बढ़ाते हैं। तो ये जो नोड है, इस नोड के बाद फिर एक और इंटर नोड आएगा, फिर उसके बाद नोड आएगा, फिर इंटर नोड आएगा, फिर नोड आएगा, फिर इंटर नोड आएगा, फिर नोड आएगा। ये जो नोड और इंटर नोड होते हैं वो हमेशा अल्टरनेट पैटर्न में होते हैं। पहले नोड होगा, फिर इंटर नोड होगा, फिर नोड होगा, फिर इंटर नोड होगा। जैसे आप देख रहे हो, पहले एक नोड है, फिर इंटर नोड है, फिर नोड है, फिर इंटर नोड है, फिर नोड है, फिर इंटर नोड है। इसी तरह से शुगर केन की स्टेम बनती है। आपने देखा होगा कि जो राइज है अपना, ग्रेन है, वे भी ग्रेमिनी फैमिली में आते हैं, लेकिन उनकी जो स्टेम होती है ना वो हॉलो होती है, अंदर से खोखली होती है, जबकि शुगर केन की जो स्टेम होती है वो अंदर से हार्ड होती है, ठोस होती है, क्योंकि मेन कंटेंट तो शुगर केन की स्टेम में ही है। अगर शुगर केन की स्टेम भी हॉलो होगी तो फिर हम यूज़ काय का करेंगे, रस काय में से निकलेगा, जूस कहाँ से निकलेगा। तो एक बात याद रखना, शुगर केन की जो स्टॉक होती है, जो स्टेम होती है, वो हॉलो नहीं होती है। जबकि ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ग्रेमिनी फैमिली में आता है, राइस वीट ये भी ग्रेमिनी फैमिली में आते हैं, लेकिन उनकी स्टेम हॉलो होती है। जबकि ये भी ग्रेमिनी फैमिली में है, शुगर केन भी ग्रेमिनी फैमिली में है, लेकिन इसकी स्टेम हॉलो नहीं होती। शुगर केन की स्टेम, शुगर केन की स्टॉक सॉलिड होती है, उसी में मेन जूस कंटेंट अपना पाया जाता है, ठीक। तो जो स्टॉक रीजन होता है, इस स्टॉक रीजन के पास दो पार्ट होते हैं, नोड और इंटर नोड। तो जो स्टॉक रीजन है इसके पास कितने पार्ट है? दो। एक होता है नोड और दूसरा पार्ट होता है क्या आपका? इंटर नोड। इसमें से जो इकोनॉमिक पार्ट है वो कौन सा है? इंटर नोड। इंटर नोड को भाई, ये जो बीच वाला जो पार्ट है इंटर नोड, ये इसकी थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी, ये इंटर नोड जितना ज़्यादा लंबा होगा, उतनी ही ज़्यादा अपन को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा उसमें से अपना जूस प्रोडक्शन होगा, ठीक। तो इसके पास एक पार्ट क्या होना चाहिए? नोड, और दूसरा क्या होना चाहिए? इंटर नोड। इस नोड के अंदर क्या क्या होता है? देखो, इस नोड के अंदर होता है एक तो आपका रूट बैंड, ये देखो, ये एक तरह से जैसे आप फ्रेंडशिप बैंड लगाते हो ना, सेम वैसा ही दिखता है रूट बैंड गोल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? रूट बैंड, ठीक है। ऐसा नजर आएगा जैसे, चलो यहां पर एक शॉर्ट और बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका रूट बैंड, ठीक है। इस रूट बैंड के ऊपर, ठीक ऊपर पाई जाती है ग्रोथ रिंग। क्या पाई जाती है इसके ठीक ऊपर? जैसे इसके ठीक ऊपर पाई जाती है ग्रोथ रिंग। इस ग्रोथ रिंग में ही डेवलपमेंट होता है, इसी ग्रोथ रिंग में सेल डिवीजन होते हैं और ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ और ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ करते 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 फिर यहाँ पर एक और नोड बनेगा, ठीक। यहाँ पर एक और नोड डेवलप होगा, फिर उस नोड के ऊपर एक और ग्रोथ रिंग होगी, ठीक। फिर ये ग्रोथ रिंग में फिर डेवलपमेंट होगा, फिर जो ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ पर एक और नोड बनेगा, और इस नोड के ऊपर एक और ग्रोथ रिंग होगी, फिर उस ग्रोथ रिंग में फिर डेवलपमेंट होगी। इसी तरह से ये प्लांट जो है शुगर केन का, वो अपनी हाइट में इंक्रीज करता जाता है इस ग्रोथ रिंग की वजह से, ठीक है। इस रूट बैंड में क्या क्या होता है? इस रूट बैंड के अंदर होते हैं रूट प्राइमोर्डिया। इसी रूट प्राइमोर्डिया से तो बाद में आपकी सेट रूट डेवलप हो रही थी, ठीक है। तो जो सेट रूट होती है वो इसी रूट प्राइमोर्डिया से डेवलप होती है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके अंदर होनी चाहिए एक बड, मिनिमम एक बड तो होनी ही चाहिए। ये क्या है? मिनिमम एक बड इसके अंदर तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात की हमने किसकी? स्टॉक रीजन की, जिसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, नोड और इंटर नोड। नोड के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, एक ग्रोथ रिंग उसके ऊपर होनी चाहिए ठीक ऊपर, इसके अलावा रूट बैंड होना चाहिए नोड पर, नोड पर आपका एक बड इंपॉर्टेंट है, बड होनी चाहिए। इसके अलावा उस रूट बैंड में रूट प्राइमोर्डिया होनी चाहिए, क्योंकि इसी पार्ट को अगर हम भविष्य में कभी प्लांटिंग करें
तो ये रूट प्राइमोर्डिया ही सेट रूट बनाएंगे, ये बड ही एक नया प्लांट बनाकर तैयार करेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टॉक रीजन। अब आ जाओ तीसरा पार्ट है आपका लीव्स। लीव्स बड़ी सिंपल सी बात है, देखो लीव्स इस पार्ट को अगर अपन ले लें, देखो ये मान लो मैंने बनाई एक सूट रीजन, ठीक है, ये आपके नोट बना दिए मैंने। आप लोगों ने अगर शुगर केन देखा हो तो, वैसे तो देखा ही होगा, इसके ऊपर कवरिंग होती है लीफ की, ऑब्वियसली इसके ऊपर कवरिंग होती है, और जहाँ पर कवरिंग होगी थोड़ी सी कवरिंग होगी उसके बाद ये लीफ यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये आपका शुगर केन होगा और यहीं से ऐसी बाहर एक लीफ निकली होती है, ठीक है। तो इसके अंदर लीफ के अंदर भी दो पार्ट हो गए, लीफ के अंदर भी कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट। एक होता है शीथ पार्ट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका लीफ ब्लेड पार्ट। तो ये जो पार्ट है जो उस स्टेम को कवर करके रखा है, उस स्टॉक को कवर करता है, इसको बोलते हैं शीथ पार्ट, और ये जो लीफ जो बाहर की तरफ निकल रही है इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, लीफ ब्लेड पार्ट, ठीक है। और जिस जगह से ये निकलती है, ये लीफ पार्ट और शीथ पार्ट जिस जगह पर जुड़ते हैं उसको बोलते हैं हम ब्लेड पॉइंट, ठीक। इसमें कुछ ज़्यादा याद करने को है नहीं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम हम देखते हैं कि ऊपर वाली जो अपर लीव्स होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, ग्रीन, जो लोअर लीव्स होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, ड्राई, और इन्हीं ड्राई लीव्स को भी बाद में बोलते हैं हम क्या, ट्रेस। इन ट्रेस का भी यूज़ होता है बाद में बताऊँगा मैं, अभी सिर्फ मॉर्फोलॉजी पर फोकस करो। तो ये लीव के बारे में आपको सिर्फ इतनी ही बातें याद रखनी है। अब आ जाओ इम्पॉर्टेंट पार्ट, और वो है ये इनफ्लोरोसेंस। देखो क्या होता है इनफ्लोरोसेंस, ओपन पेनिकल है ये। ओपन पेनिकल का मतलब कोई कवरिंग नहीं होती इसके ऊपर, और आप में से बहुत कम लोगों ने ये शुगर केन इनफ्लोरोसेंस देखी होगी। क्यों भाई, क्यों नहीं देखी आप लोगों ने, उसके पीछे एक वजह है। वजह क्या है, जब ये इनफ्लोरोसेंस इमर्ज होती है, जब ये इनफ्लोरोसेंस निकलती है, जब इसका इनफ्लोरोसेंस के निकलने का टाइम होता है ना, उसी वक्त शुगर केन की मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है। ये आप लोग याद रखना, इस पर क्वेश्चन आता है। शुगर केन की मैच्योरिटी देखने का एक तरीका ये भी है, इनफ्लोरोसेंस निकलने से पहले ही हमें शुगर केन की हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। शुगर केन में जब इनफ्लोरोसेंस आ रहा हो, इसकी इनफ्लोरोसेंस को क्या बोलते हैं हम, एरो, और जो एरो निकलता है जब इनफ्लोरोसेंस बाहर आती है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एरोइंग, ठीक है। तो एरोइंग आने से पहले, इनफ्लोरोसेंस निकलने से पहले ही हमें शुगर केन की हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। अगर नहीं करोगे, वेट करते रहोगे इनफ्लोरोसेंस आने का, तो इसके अंदर का जो शुगर कंटेंट है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है कि इनफ्लोरोसेंस आने से पहले ही, एरोइंग होने से पहले ही हमें उसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। तो ज़्यादातर फील्ड में अपनी इनफ्लोरोसेंस आने से पहले ही हार्वेस्टिंग हो जाती है, इसलिए आप लोगों ने इनफ्लोरोसेंस कमी देखी होगी, और शायद किसी ने तो देखी ही ना हो शुगर केन में इनफ्लोरोसेंस कैसी होती है। ये एक तरह से जैसे गुड़िया के बाल होते हैं ना, हाँ, जैसे कि आपने मेज के अंदर टैसल देखा है, मेज के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, सिल्क और टैसल। तो मेज में जो टैसल वाला पार्ट है, मेल पार्ट, वो भी एक तरह का ओपन पेनिकल है, बिल्कुल एकदम खुलम, एकदम ओपन रहता है, किसी भी लीफ पार्ट से कवर नहीं रहता, सेम टू सेम वैसा ही दिखता है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा और बिल्कुल एकदम फाइब्रस टाइप का होता है, बिल्कुल वाइट कलर का, हल्का सा वाइट येलो कलर का होता है ये आपका, और बिल्कुल टॉप पर प्रेजेंट होगा, एकदम टॉप पर, वही पार्ट होता है इसका इनफ्लोरोसेंस। लेकिन इनफ्लोरोसेंस आने से पहले ही हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द लोग इस इनफ्लोरोसेंस को देख ही नहीं पाते, ठीक। तो आपको बस ये दो तीन बातें याद रखनी है इनफ्लोरोसेंस को लेकर, के एक तो इनफ्लोरोसेंस को क्या बोलते हैं यहाँ पर, एरो, जो प्रोसेस होती है इनफ्लोरोसेंस के निकलने की उसे बोलते हैं एरोइंग, और इनफ्लोरोसेंस का निकलना क्या इंडिकेट करता है, मैच्योरिटी ऑफ शुगर केन को, यानी कि हमें शुगर केन की मैच्योरिटी एरोइंग से पहले कर देनी चाहिए, ठीक। तो आज के लेक्चर में हमने ये पूरा पढ़ लिया, इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, शुगर केन की मॉर्फोलॉजी और उसके जनरल इंट्रोडक्शन। अगले लेक्चर से अपन शुरू करेंगे इसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, और एक वीडियो बनाऊंगा मैं शुगर केन नोबेलाइजेशन के ऊपर, ठीक।